कुछ ना करना पड़े और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन की महिमा अपार है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारद तिर्यक नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकृतालप आयु दरिद्रताम चा नाप्य व्रतिका। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है वह नरक नहीं जाता है, यदि पहले से बंधन ना किया हो तो। वह स्त्री नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, दुष्कुल में पैदा नहीं होता है, लूला लंगड़ा नहीं होता है, असुंदर नहीं होता है। कौन? जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और आपकी इच्छाएं क्या हैं? यही सब तो है, धनवान बनूं, सुंदर बनूं, यही है ना, और सम्मान सहित जीऊं, नरक ना जाऊं, यही है ना। अरे बोलिए ना, यही इच्छाएं हैं। तो वो कहां से पूरी होंगी? वो सम्यक दर्शन से पूरी होंगी। किससे पूरी होंगी? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन कैसे होगा, कैसे प्राप्त करें? कल मैंने बताया था कि घर छोड़ना नहीं, परिवार छोड़ना नहीं, दुकान छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ भी नहीं करना। तो फिर करना क्या है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आप ये तो बताओ। शास्त्र तो पढ़ सकते हो, हैं? चलिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चार अनियोगों के माध्यम से देखें कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, और उसके पहले और देखें। तो तत्वात् श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्। तत्वात् सूत्र पढ़ा है, उसका दूसरा सूत्र है तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। क्या करना? मात्र श्रद्धान करना है। क्या करना है? मात्र श्रद्धान करना है। और क्या करना है? सम्यक दर्शन के आठ अंग सुने होंगे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये तो सब करते हो ना, धर्म में शंका रखते हो क्या? जो भगवान ने कहा है वो पक्का है, ऐसा श्रद्धान है कि नहीं आपका? ये हो गया। आकांक्षा रखते हो क्या? आकांक्षा रखते हो तो छोड़ देना, भगवान की भक्ति बिना आकांक्षा के कर लेना। लो, एक और उपाय हो गया, ग्लानी नहीं करना, साधु संतों की सेवा में ग्लानी नहीं करना, मूढ़ता नहीं करना, यानी मूर्खता नहीं करना। अभी बताऊंगी छह आयतन, अनायतन और तीन मूर्ता में आ जाएगा ये। मूर्ता नहीं करना, अमूर्त दृष्टि हो गया। उपगुहन, धर्म की ऐसी चर्चा नहीं करना जिसको सुनकर के लोग धर्म छोड़ दें। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी से कोई गलती हुई हो किसी धर्मात्मा से, उसे सबके सामने प्रकट मत करना, क्योंकि उसको सुनकर के लोग धर्म छोड़ गए। अरे धर्म ऐसा होता है क्या? वो छोड़ देंगे। तो ऐसी चर्चाएं नहीं करना। स्थितिकरण, कोई धर्म से डिगरा हो और आपको लगता है कि वो आपकी बात मान जाएगा तो आप उसे स्थित कर देना, स्थितिकरण। धर्मात्माओं से प्रेम करना, वात्सल्य, और जिन धर्म की प्रभावना करना, प्रभावना। कोई बड़े काम तो नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं है। चलिए अब आठ दोष देखते हैं इसके। इस तो इससे जो शंका करना, आकांक्षा करना, मूर्ता करना, ये इसके दोष हो गए। जो कहा है अभी उससे उल्टा करना। अब इसके बाद में आठ मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानित्वम इसमें माहुर गतस्मया। आचार्य
आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्लोकाचार में कहा है, ज्ञान मत, पूजा मत, धन मत, रूप मत, रिद्धि मत, तप मत, जाति मत, कुल मत। मत यानी अभिमान, अभिमान नहीं करना। करते हो कि अपने धन का अभिमान है आपको? अरे बोलिए ना, ऐसे नहीं छोड़ सकते अभी, उसको छोड़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं सकते, आपके अंदर है शक्ति, आपके अंदर ताकत है कि आप अभिमान ना करें, लेकिन हम इसको ध्यान देना पड़ेगा उस पर कि मुझे कब आता है और कब नहीं आता। आठ मद छोड़ दो, इसमें धन तो नहीं छोड़ना पड़ा, उपवास तो नहीं करना पड़ा, व्रत तो नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा छह अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और तीन इनको मानने वाले, उनको छोड़ना। और तीन मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये तीन मूर्ताओं को छोड़ना। ये सम्यक दर्शन के जो 25 दोष और 8 अंग हैं, इनसे अपना टेस्ट ले लेना कि इसमें यदि हम खरे उतर रहे हैं तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, अब हमें कोई हमारी गड़बड़ नहीं कर सकता है। दूसरी बात, 7 व्यसन का त्याग हो सकता कि नहीं? शराब पीते हो, अरे गर्दन हिलाओ ना जोर से, तभी तो पता चलेगा। जिसकी नहीं हिलेगी मैं समझ जाऊंगी, मतलब बैठे हैं, छोड़ देना। समय दर्शन प्राप्त करना है, मत पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, शिकार करना, पर स्त्री सेवन करना, पर वेश्या गमन करना, चोरी करना, ये 7 व्यसन का त्याग कर देना। यदि समय दर्शन प्राप्त करना है, और समय दर्शन तो छोड़ो, यदि सुखी होना है, सुखी होने का यही रास्ता है। दूसरा रास्ता संसार में है ही नहीं है, जहां संसार भाग रहा है वो सुख का रास्ता है ही नहीं है, वहां से तो और दुख आ रहा है। जितनी जितनी भौतिकता बढ़ रही है उतनी उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, उतने उतने दुख बढ़ रहे हैं, उतने उतनी शरीर में कमजोरी बढ़ रही है। पहले के लोग इतनी ताकत की दवाई नहीं खाते थे, अब जो देखो वो ताकत की दवाई खा रहा है, जो देखो वो शुगर का पेशेंट है, जो देखो वो बीपी का पेशेंट है। क्यों भाई? इतनी भौतिकता बढ़ गई, इतनी दवाइयां आ गई, इतने डॉक्टर आ गए, अब तो सुखी होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जितनी भौतिकता आई उतने तो, यानी सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सुख की परिभाषा क्या है ये बताओ मुझे। कोई चीज याद आना सुख है या याद नहीं आना सुख है? अच्छा बताओ, आपके आपको दांत की याद आ रही है? दांतों की याद आ रही क्या? नहीं आ रही। क्यों दांत की याद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दर्द नहीं है। याद किसकी आती है? दर्द की। और जो जो चीजें तुम्हें याद आ रही है मतलब वो परेशानी का कारण है। इसका मतलब याद नहीं आना सुख है। भोजन की याद आ रही है? भोजन याद आए, इच्छा हो फिर खाने मिले, वो सुख है या याद नहीं आना सुख है? अरे बोलिए ना, सच्चा सुख क्या है? आत्मिको हित है सुखे सो सुखे, आकुलता भी नहीं कहिए। जिसमें आकुलता ना हो उसका नाम है सुख। अब डल्लब के गद्दे पे सोना है तो पहले डल्लब के गद्दे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर डल्लब का सुख मिलेगा। और हो सकता है उसमें भी कमर दर्द हो जाए, डॉक्टर कहेगा अब आप बिना गद्दे के सो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो सुख क्या है, सुख की परिभाषा क्या है? याद नहीं आना सबसे बड़ा सुख है। अब आप दो टाइम भोजन करते हो, सुबह खा लिया, घड़ी में 4 बज गए, खाने का टाइम हो गया। और जिसने एक आसन किया है या उपवास किया है
उसको याद ही नहीं आएगी। पहले आप सुख समझो कि सुख कहते किसे हैं, आपकी दृष्टि में सुख है क्या? आपकी दृष्टि में तो मोबाइल चलाना सुख है, आपकी दृष्टि में व्हाट्सएप चलाना सुख है, आपकी दृष्टि में फेसबुक चलाना सुख है। फेसबुक की याद नहीं आना वो सुख है, और याद करके उसे देखते जाना, और फिर आंखें दुखने लगे, फिर आंखें कमजोर हो जाएं, फिर चश्मा चढ़ाना पड़े, ये सुख है या फेसबुक नहीं चलाना सुख है? रात को नींद का समय है और मन कर रहा है कि मोबाइल चलाओ, अब नींद आने का समय है लेकिन मन कह रहा है कि चलाओ, और तुम चला रहे हो, नींद भाग गई, अब उसे बुला रही, इंतजार कर रहे, नींद आ जा, आई नहीं रही। अब बताओ नींद अपने आप आ जाए वो सुख है या फेसबुक से भगा के बाद में बुलाना सुख है? पहले सुख समझो कि सुख कहते किसे हैं, सुख की परिभाषा क्या है। जब तक सुख की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब तक तुम उसकी प्राप्ति का उपाय भी नहीं करोगे। अभी हम धन में सुख मान रहे हैं, किसमें सुख मान रहे हैं? धन में, मेरे पास 10 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। जिनके पास है वो सुखी है क्या? एक व्यक्ति था, उसके पास घर में सब कुछ, नाती पोता बच्चे बहू बेटी सबकी शादियां हो गई, बढ़िया दुकान चल रही है, पत्नी बढ़िया है, आज्ञाकारी, सारे सुख उसके पास, फिर भी उसका मन उदास उदास रहता था। बच्चों ने कह दिया, पापा अब आप क्यों मेहनत करते हो, हम है ना आपके लिए, अब आप दुकान बताया करो, अब मेहनत हम करेंगे, हम बड़े हो गए हैं, अब ये आपका काम नहीं है, आपने सारी जिंदगी किया है ना, अब हम करेंगे, अब काम बचा नहीं कुछ, अब करें तो क्या करें। अब मन उदास रहने लगा, धर्म करता नहीं था, धर्म करे तो वहां मन लग जाए, कुछ सुख की परिभाषा समझ में आ जाए। एक संत आए, सन्यासी आया गांव के बाहर, सोचा चलो उसी से जाके पूछ लें कि मेरे को बड़ा मन दुखी दुखी सा रहता है, मन नहीं लगता है, क्या करूं मैं, घर में सब कुछ है, पूछ किससे रहा है? जिसके पास कुछ नहीं है, पूछ किससे रहा है? लोग सुख की परिभाषा किससे पूछने जाते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता है। सुख का आशीर्वाद किनसे लेने जाते हैं? जिनके पास में कुछ नहीं होता, जिनने छोड़ दिया है, जिनसे पूछने जा रहे हो उन्हें देख के समझ जाओ ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम भगवान के पास सुख मांगने आए हो, इनको देख के समझ जाओ कि इनके पास सुख आया तो कहां से आया, इकट्ठा करके आया या छोड़ के आया? तुम गलत जगह जा रहे हो। जिनने इकट्ठा किया उनके पास जाओ, जो बड़े बड़े धनवान है उनके पास जाओ कि हम सुखी कैसे हो, जैसे आपके पास धन आया वैसे हमें भी दिलवाओ। उनके पास जाओ तो कोई बात है, इनके पास तो कुछ है नहीं, इनसे कहते भगवान। हाँ, सुखी तो पूर्ण सुखी करने की ताकत तो भगवान के अंदर ही है। संसार में कोई देवी देवता सुखी नहीं कर सकता है, सुखी करने के लिए भी एकमात्र स्थान है तो जिनेंद्र भगवान के चरण ही है। अब वो गया सन्यासी के पास, महाराज मन नहीं लगता, मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है, दुखी दुखी सा रहता है। उमर को देख के सन्यासी भी समझ गया, बोले ये बताओ घर में कोई दिक्कत है? बोले नहीं। घर में कोई परेशानी है? बोले नहीं। बोले बच्चे बात मानते? बोले बड़े आज्ञाकारी हैं। बोले तुम्हारी पत्नी बात मानती? बोले वो तो बस सती सावित्री है। तो फिर तुम्हारे नाती पोता सब ठीक? बोले वो तो सब आंगन गूंज रहा है बच्चों की किलकारियों से। तो सन्यासी ने कहा एक काम कर। बोले धन पैसे की कमी तो नहीं? बोले नहीं। बोले जितना तेरे पास में सोना है तो एक पोटली में बांध के ला। सन्यासी के ऊपर सबको विश्वास रहता है, ये क्या करेगा, हो सकता डबल कर दे, ये तो रहेगा नहीं कि सन्यासी ले लेगा, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया है, वो तो ले नहीं सकता है। तो बोले पोटली में धन बांध के ला।
वो सारा सोना विश्वास था, सोना एक कोठी में इतना सारा, एक दो तीन जो 4 किलो जितना सोना था वो बांध के ले आया, क्योंकि डबल कर रहा होगा तो मजा आ जाएगा, 4 किलो ले जाओ, 5 किलो ले जाओ, जितना है सारा ले जाओ। ले गया, सामने रख दिया, हाथ जोड़ के बैठ गया। अब बताओ महाराज क्या करना है। सन्यासी बड़ा अलग मिजाज का था, उसने पोटली उठाई और भाग लिया। अब आगे आगे सन्यासी और पीछे पीछे सेठ जी, कभी ये गली कभी वो गली, कभी वो गली कभी उस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, भगा दिया सेठ जी को। और फिर ले जा करके पेड़ के नीचे बैठ गया और पोटली सामने रख ली। भागता भागता हांफता हांफता सेठ भी आके बैठ गया, उठा के पोटली छाती से लगा ली। सन्यासी ने पूछा, थोड़ा सुख मिला क्या? पूछा, थोड़ा सुख मिला? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चीज है ना, यदि चीज में सुख होता तो पहले मिल जाना चाहिए था, वस्तुओं में सुख होता तो पहले मिल जाना चाहिए था, और वस्तुओं में सुख होता तो भगवान को मिलना चाहिए था। लेकिन सुख तो आत्मा में है। कहाँ है सुख? आत्मा के अंदर है। ये क्या कह रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे, सुख कहाँ है? अंदर है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो, गलत जगह ढूंढ रहे हो। सुख शरीर में ढूंढ रहे हो, नहीं है। सुख धन में ढूंढ रहे हो, नहीं है। सुख श्रृंगार में ढूंढ रहे हो, वहां भी नहीं है। ये भ्रम है। भ्रम होना और सुख होना दोनों में अंतर होता है। एक तो सुख का भ्रम है, जैसे कि राजस्थान में रेगिस्तान में रेत चमकती है तो लगता है कि सरोवर है, पानी है नहीं है। हिरण जाके भाग के जाता, अरे यहाँ पानी होगा, वहां जाके देखता, अरे यहाँ तो पानी है ही नहीं है। ऐसे ही संसार का हर प्राणी सारी जिंदगी सुख के प्रयास के लिए भागता है। कोई इंजीनियर बन रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, कोई सेठ बन रहा, कोई फैक्ट्री का मालिक बन रहा, कोई ये बन रहा वो बन रहा, बेचारा फिर भी सुखी नहीं है। भ्रम है सुख का, सुख नहीं है। और सुख है आकुलता रहित, जिसमें किसी चीज की याद ही ना आए, उसका नाम है सुख, सच्चा सुख। आप यहां बैठे हो, आपको किसकी याद आ रही बताइए? घर की याद आ रही? नहीं। परिवार की याद आ रही? नहीं। शरीर की याद आ रही? इस समय तो शरीर की याद नहीं आ रहा, क्योंकि काम आत्मा पूरे काम में लगी है। आत्मा में पूरा भगवान की वाणी जा रही है, मेरी नहीं। ये तो भगवान जी ने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, वो जा रहा है अंदर में। अभी तो रस फूल रहा है, अभी आपको ठंड भी नहीं लग रही है, आपको कुछ नहीं लग रहा है, सुख मिल रहा भी नहीं, वस्तु की जरूरत पड़ रही है। अब मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, इसमें कहीं धन की जरूरत है, त्याग की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, और सुख मिल रहा है। यानी जिसमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े और आत्मा में शांति आ जाए, उसका नाम है सच्चा सुख। अब आप सोचो, डायमंड सेट, डायमंड सेट का सुख कितनी देर रहता है? मान लो तुम कई दिन से इच्छा कर रही थी कि हमें डायमंड का सेट चाहिए, कितनी देर सुख रहेगा उसका? जब तक नहीं आया है, और आ भी गया तो थोड़ी देर पहनने का सुख। और यदि मान लो किसी शादी में पहन के चली भी गए तो वहां सुख नहीं, आकुलता है, मान कषाय पैदा होती है। कौन सी कषाय पैदा करता है? मान कषाय। और ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, कोई देख तो ले, पल्लू हटा हटा के दिखाएंगे, गिरा गिरा के दिखाएंगे, कोई देख तो ले कि मैंने डायमंड का सेट पहना हुआ है, इसका नाम सुख है? नहीं, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कोई याद नहीं आ रहा, किसी का ध्यान नहीं है, किसी के प्रति भाव नहीं है, खाने के भाव नहीं, पीने के नहीं, पहनने के नहीं, उसका नाम है सुख। सुख की परिभाषा समझो पहले तुम। जब सुख की परिभाषा ही नहीं पता होगी तो संसार जिस मार्ग में चल रहा है, तुम भी दौड़े जाओगे, दौड़े जाओगे, और अंत में जाके गिरोगे कहां? जहां कुछ नहीं है।
मृत्यु क्या है इसका? मृत्यु और मृत्यु के तुमने कितने लोगों की मृत्यु देखी आज तक? बहुत लोगों की देखी है। कितने लोग तुम्हारे सामने शांति से मरे हैं? गलत जगह सुख ढूंढेंगे तो मृत्यु भी खराब हो जाएगी, और शांति भी अंदर में ढूंढेंगे तो मृत्यु भी समाधि और निर्वाण बन जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सम्यक दर्शन कहाँ है? बस यही है, खुद के अंदर खोजना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसने खुद को पहचान लिया, जिसने खुद को, दूसरे को नहीं, खुद को जान लिया, और खुद का मतलब अपने शरीर को नहीं कि मुझे क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना, नहीं वो नहीं, आत्मा क्या है, कैसी है, और इस आत्मा का सुख, सच्चा सुख कहाँ है, उसके लिए पुरुषार्थ शुरू कर दिया। बस सुख शुरू हो गया और सम्यक दर्शन आ गया। यही है सम्यक दर्शन, और कहीं नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? राम ने राज्य का जीवन भी जिया, लेकिन एंड क्या था उनका? दीक्षा, मोक्ष। हनुमान ने राज्य का जीवन जिया, लेकिन एंड कहां गया? दीक्षा, मोक्ष। भगवान महावीर ने भी 30 वर्ष तक घर में रहे, महलों में रहे, लेकिन बाद में दीक्षा, मोक्ष। और महापुरुषों को देखो, जितने भी हुए हैं, पांडवों को देखो, सारी जिंदगी लड़ते रहे, जमीन के लिए, राज्य के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे, और जब वैराग आया तो यूं छोड़कर दीक्षा ली और मोक्ष चले गए। यदि इसी घर में सुख होता तो हमारे बड़े बड़े महापुरुष क्यों नहीं वो घर में रहते? उनके पास क्या कमी थी? तो मैं ये नहीं कह रही कि आप धन कमाना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार छोड़ दो, लेकिन घर में रह करके कमल की तरह रहो, जल में रहकर कमल की तरह रहो, कीचड़ में रहकर कमल के, घर में रहना, क्योंकि इस जिंदगी का पालन पोषण कहीं तो करना है ना। साधु भी हैं, आहार लेते हैं, बिना आहार के साधु भी नहीं रहते हैं, क्योंकि इस शरीर का स्थिरता अन्न से है, इसलिए वो भी आहार लेते हैं। आपका परिवार में रहना जरूरी है, जिम्मेवारी है आपकी, तो आप रहें, लेकिन घर में रहकर ऐसे रहें जैसे कमल रहता है, कीचड़ है। बिना सम्यक दर्शन के स्वादी के सुख नहीं चाहिए, नरक के दुख मिल रहे हो तो मिल जाए, मगर सम्यक दर्शन चाहिए। कितना कीमती है, जो इस सम्यक दर्शन की कीमत को जानता है वो एक क्षण नहीं लगाएगा छोड़ने में। मध्य मास मधु का त्याग करना, मत आप यदि पीते हैं आपसे छोड़ देना, मांस आप नहीं खाते हैं और शहद आप नहीं खाते हैं, बड़ पीपा पाकर उम्र कट उम्र, ये आप जानते ही नहीं है क्या होते हैं, जंगली फल है ये जंगली फल है। वैसे जैनी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं खाता होगा, ये तो गांव में जो है होते हैं वो बड़ के इतने बड़े बड़े फल निकलते हैं, उन्हें बिना खोले खा जाते, यदि उनको खोला जाए ना तो उसमें से जीव उड़ के निकलते हैं। केवल इन 8 चीजों का त्याग करना, आपने किया कि नहीं किया अभी तक? खाया भी ना, त्याग किया कि नहीं? नहीं, त्याग करना जरूरी है। यदि त्याग नहीं किया तो खाने का पाप लग रहा है। बिल्ली सो रही है, चूहा ने शिकार नहीं कर रही है, लेकिन त्याग भी नहीं किया है, बहुत बड़ी बात है, कहीं मैंने अभी आप समझ सको। तो यदि आपने नहीं किया हो तो आज प्रभु के चरणों में अष्टमूल गुण ले लो। ये श्रावक के अष्टमूल गुण कहलाते हैं। किसके? बिना अष्टमूल गुण के श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। मध्य मास मधु, बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर, इन 8 चीज का त्याग करना, जोड़ी हाथ भगवान के सामने। भगवान यदि सम्यक दर्शन मिल रहा है तो इतना छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ जोड़ रहे हैं। हे भगवान, आज हम देवशास गुरु के समक्ष मध्य मास मधु, बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर, इन 8 वस्तुओं का त्याग करते हैं। प्रभो शक्ति देना, इनका पालन करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकूं।
कितनी बड़ी बात कहते हैं। प्रथम अनागमिन षडभुज ज्योतिष, भवनवासी नहीं बनता, व्यंतर नहीं बनता, ज्योतिषी नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, गरीब नहीं होता, नीच कुली नहीं होता और अंगोपांग रहित नहीं होता, यानी लूला लंगड़ा नहीं होता। कौन? सम्यक दृष्टि जी। तो इन बुराइयों को तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये सामान्य सी बुराई नहीं छोड़ोगे तब तक होने वाला नहीं, तो ये हो गया चरणानियों का सम्यक दर्शन। और तीसरा है करणानियों का सम्यक दर्शन, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ को तो केवल भाव बनाना है। तो अनंतानुबंधे की चार प्रकृति और मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति, इन प्रकृतियों का उपशम छह छह उपशम अपने आप होगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और द्रव्यानियों का सम्यक दर्शन, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार करना, आत्मा के गुणों का, आत्मा की निधि का, आत्मा की धन की रक्षा करना। बस इतना कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो तीर्थंकर बनने के लिए सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। कौन सी भावना? सुखी होना चाहते हो ना? कौन कौन होना चाहता है? कल जो आए थे वो तो होना चाहते थे, आज वाले होना चाहते कि नहीं? हाथ उठाना जरा। सुखी हर जीव होना चाहता है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता है। हर जीव सुख चाहता है और दुख से डरता है, लेकिन गलत जगह सुख छोड़ने के, गलत जगह सुख ढूंढने के कारण से वो दुख में पड़ता है ना। तो सच्चा सुख, सच्चा सुख जहां मिले अब वहां से रास्ता निकालो, भले एक एक कदम चलो, भले आप 24 घंटे में एक घंटे के लिए काम करो सच्चे सुख के लिए, 23 घंटे आप झूठे सुख के लिए काम करते हो, एक घंटा आप सच्चे सुख के लिए काम कर लो, मेरी गारंटी है कि आपके 23 घंटे के ऊपर एक घंटा भारी पड़ जाएगा। आप बैटरी चार्ज कितनी देर में कर लेते हो? मोबाइल की बैटरी एक तो घंटे में हो जाती है ना, कितने घंटे चल जाती है? 23 घंटे चलती है ना। जो आप सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए एक घंटा काम करोगे वो 23 घंटे को सुखी कर देगा। और आप अपना एक घंटा नहीं निकालते हो ना, उसकी वजह से आपके 24 घंटे दुखी हो जाते हैं। चिंता खत्म करना है सम्यक दर्शन, दुख खत्म करना है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक यानी सही सच्चा, दर्शन यानी देखना। अभी आप सही देखते हो क्या? आपको सच्चाई नजर आती है क्या? ये मेरी गाड़ी है, ये बात सच है या झूठ है? अरे बोलिए ना, गलत है या सही है? गलत है ना। और ये देखिए कि ये मेरी नहीं, तो लोहे की गाड़ी है, मुझे तो चलाने के लिए मिली है, चलो इसकी रक्षा कर लेता हूं क्योंकि इससे काम लेना है। यदि ऐसी भावना है तो सम्यक दर्शन। ऐसे दर्शन देखना सही करना, कुछ नहीं करना है। जो देख रहे हो ना, जगह मिट्टी बढ़ा मिट्टी यही मोक्ष की चिट्ठी। जो देख रहे हो ना वो देखना सही करना है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जो मेरा नहीं है, शरीर मेरा है क्या? बोलिए। लेकिन इसके साथ में व्यवहार कैसा करते हो? पड़ोसी वाला करते हैं, अपना वाला करते, अपना वाला करते, यही तो सही देखना है। तो जो चीज मेरी नहीं है उसको श्रद्धा में मेरी नहीं मानना है। बाहर से त्याग करने नहीं कह रही, उपयोग करो, गाड़ी का उपयोग भी करो, धन का उपयोग भी करो, परिवार के साथ भी रहो, शरीर के साथ तो रहने रहना है, सब काम करो, लेकिन श्रद्धा बदलनी है कि ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। कोई मेहनत तो नहीं करी? तो आपसे कर दो मैं। अरे बोलिए ना, हैं? चलो कोशिश करना। फिर आगे, इसके आगे का विषय मैं कल बताऊंगी। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, चलने में पात का, मित्रों में सांत का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही भक्त है।
अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? ताल बेहट, अच्छा, और उदयपुर, चल आप बता रही हैं ना। वृक्षों में बटका और गांवों में हटका और आने वालों में ताल बेहट का, गाने में सुर का, नृत्य में अनूपपुर का, आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बढ़ता बढ़ की चढ़ता और आने वालों में शाहगढ़ का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से है? सेरिया, सेरिया, अच्छा, मंदिर में बरिया का, काम में जरिया का और आने वालों में सेरिया का बड़ा ही महत्व है। धरती के लिए अंबर का, धरती के लिए अंबर का और धर्म में दिगंबर का और आने वालों में सलूंबर का बड़ा ही महत्व है। और कोई बचा? माता जी ललितपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोले चौबीसों भगवान की। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा साक्षात त्रिलोकनाथ के दर्शन किए और मुनि सुरनाथ भगवान की साक्षात दर्शन किए। जहाजपुर तीसरी बार आने का मौका मिला। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। जब इस मंदिर के दर्शन किए बाहर से रात्रि को, तो बहुत ही दूर से ही ऐसा एहसास हुआ कि हम स्वर्ग में आने की प्रतिज्ञा ऐसी लगती है। अंदर आने के बाद जब हमने दर्शन किए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ऐसा देखने को मिला कि जैसे कभी ऐसा नहीं देखने को मिला। भगवान के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा बाहर जो जहाज बनाया है उसके ऊपर मंदिर है, मैंने ऐसा पहली बार देखा है, बहुत अच्छा लगा। और प्रतिमा जो इतनी सुंदर तरीके से बैठाई है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो प्रतिमा के पीछे जो आकार है, कलाकारी है, वेदी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मोदी जी ऐसा लगा कहीं अभी तक तो कहीं देखा नहीं है। पहली बार ऐसा दृश्य, ऐसा मतलब अंदर से इतने भाव बोले कि जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए। मतलब इतना अच्छा लगा कि देखते देखते हम लोगों की तो आंखें भी नम हो चुकी हैं। यहाँ से जाने का मन तो बोल ही नहीं रहा है कि हम लोग जाएं। और जहाजपुर का नाम सुना था लेकिन देखा नहीं। आज पहली बार मतलब जहाजपुर का नाम इतना अतिशयकारी नाम हो गया है। और उन्नीस सौ भगवान की हम लोगों पर इतनी कृपा बनी रही कि हम लोग बार बार यहाँ का मन बनाए आते रहें। माता जी आपका भी आशीर्वाद मिलता रहे कि हम लोग हमेशा कम से कम एक साल में तो यहाँ आने का भाव बना रहे। मतलब भाव तो भाव आना ही होगा हम लोगों को। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और माता जी के प्रवचन भी सुने, उनमें भी हमको बहुत आनंद आया। मतलब ऐसा आधार, मतलब ऐसा सुख की प्राप्ति कभी होने का हम लोगों ने सोचा नहीं था। माता जी आपने जो प्रवचन दिए उसमें हम लोगों को अलौकिक बहुत सुख मिला है। ऐसा मतलब महाराज जी के, माता जी के सबके प्रवचन सुनते हैं, लेकिन आधार आज हम लोगों को मालूम पड़ा है कि मतलब सम्यक दर्शन का महत्व क्या है और हम कैसे सम्यक दर्शन पर टिके रहे। जय ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैसे हम महावीर भगवान को याद करते हैं तो महावीर जी की प्रतिमा याद आती है, तिजारा चंद्रपुर भगवान की प्रतिमा याद आती है, मुनीश्वरनाथ भगवान में पहले हमें पैठन की प्रतिमा याद आती थी, अब बस जहाजपुर की प्रतिमा याद रहेगी। और जहाजपुर जैसा नाम वैसा ही मंदिर देख के बहुत बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप सभी लोग जरूर आए दर्शन करें। जय 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 माता जी आपको भी और वृंदावन माता जी। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा पहले आए हुए हैं तो उन्होंने कहा था कि यहाँ आके दर्शन करने हैं, तो आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और माता जी के प्रवचन सुन के एकदम मन खुश हो गया और हम इन सब चीजों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे काफी सारे जैन दोस्त हैं तो मैं उनको बिल्कुल कहूंगी कि आए, यहाँ का लाभ उठाएं और माता जी के दर्शन भी करके जाएं। जय जिनेंद्र।
रत्न की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राज ग्रही में जन्म लियो आप, राज ग्रही में जन्म लियो आप, आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।